हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका स्वागत है। कीर्तना किचन डायरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज हम एक नई रेसिपी बनाने वाले हैं जो ऑथेंटिक है। तो इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पर है। कॉर्न मुठिया। कॉर्न तो बाज़ार में अभी बारिश के सीज़न है बहुत मिलती है, तो अमेरिकन कॉर्न को आप क्रश करके भी ले सकते हैं। और इसे आप पूरा ही जो ऐसे दाना है वो भी डाल सकते हैं। गेहूं का आटा और बेसन का आटा लिया है और इसमें हम सारे मसाले करेंगे अभी। तो ये आ गया बेसन का आटा। गेहूं के आटे से बेसन थोड़ा आधा ही लेना है, बस ज़्यादा नहीं लेना है। और इसमें ऑयल डाल के उसको पहले ना मोन दे देना है, ताकि पूरा आटा है मोन वाला हो जाए। तो मोइन डालने के बाद ये पूरे आटे में ना ये एकदम से एक उसमें मॉइस्चर अंदर ऑयली का पकड़ लेता है। जो ऑयल पूरे आटे में आ जाएगा ना, तो आपको एकदम टाइट नहीं लगेगा जब खाने के टाइम। अभी हमने थोड़ा सा राइस जो बचा हुआ था वो भी ऐड किया है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी मकाई दाना जो कॉर्न मिलता है ना वो ऐड करना है। मकाई को आप क्रश करके भी ले सकते हैं। अभी तो मार्केट में बहुत ही सॉफ्ट मिलती है, अच्छी अच्छी अब ये सारे रूटीन मसाले हैं। सॉल्ट, हींग, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें हम मिलाएंगे। और आप अमचूर और गरम मसाला पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने आमचूर के बदले आंवला पाउडर ऐड किया है, बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। नमक, हींग, हल्दी, हल्दी आधा स्पून डालना, हींग क्वार्टर स्पून, और एक बड़ा चम्मच भर के रेड मिर्ची पाउडर डाल देना। जी अभी मेरा ये है ना उसमें मसालिया में जब ख़त्म हो गया था, अभी भर दिया मैंने। धनिया पाउडर भी 2 टेबलस्पून डालना है। अभी सारी चीज़ों को मिला लेना है और उसमें ऑयल भी और ज़्यादा पड़ेगा डाल के। फिर इसे पानी की मदद से या आप छाछ की मदद से भी बना सकते हैं। और इसे मुट्ठी डाल के बनाते हैं ना, मुट्ठी जो उंगलियों का छाप पड़ता है, इसीलिए इसका नाम मुठिया पड़ा है। मुठिया बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है जो बहुत सालों से बनती आई है, और बॉइल्ड रेसिपी है तो काफ़ी हेल्दी है। इसे हम कुकर के बर्तन में पूरा मुठिया बना के डाल देंगे। और आप मीठा बन में इसमें शक्कर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हमारे घर में शक्कर मैं यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और आप इसमें आमचूर या लेमन कुछ भी डाल सकते हैं। आंवला पाउडर मैंने ऐड किया है, तो एनीथिंग यू प्रिफर यू कैन ऐड। अभी कुकर बंद करके इसे हमने 3-4 सीटियाँ लगानी है। लगाने के बाद उसको थोड़ा सा स्लो में रखना। फिर इसको ठंडा करने के बाद मुठिया बहुत टेस्टी लगता है जब ठंडा हो जाएगा ना, तो उसको वघार करने में अच्छा लगता है। कई लोग तो अगले दिन भी बना के रख देते हैं, तो ये ठंडा मुठिया है ना, उसको वघार करने का बहुत ही टेस्ट अलग आता है। तो कभी आप ट्राई करके देखना। अभी ऑयल में हमने 2 बड़ा टेबल स्पून ऑयल डाल के मस्टर्ड एंड मेथी, मेथी मुठिया के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है वघार, इसलिए मस्टर्ड और मेथी लिया है। मुठिया का छोटे छोटे पीस करके हम इसमें ऐड कर देंगे। चाहे आप इसमें आटा मल्टीग्रेन भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे से भी मुठिया अच्छा बनता है। आज ये कॉर्न मुठिया है तो इसका वघार भी हो गया, ऊपर से तिल हम थोड़ा छिड़क देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में, और लुक में भी फाइन लगता है ना। बढ़िया नाश्ता हमारा रेडी हो गया। कोई मेहमान आए तो आप सोचने की ज़रूरत नहीं, बस ये बना डालो और उसको दे दो, सॉस के साथ दे दो, सूप के साथ दे दो, और दही के साथ भी दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।